हाय दोस्तों, वीट हेयर रिमूवल क्रीम यानी कि वीट मैन हेयर रिमूवल क्रीम इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप अच्छा रिस्पांस देते हो तो मैं और अच्छे से प्रोडक्ट लाऊंगा आपके लिए, आपके सामने। सो अभी मैं लाया हूँ हिप हॉप मैन हेयर रिमूवल क्रीम। ये क्रीम वीट मैन हेयर रिमूवल से सस्ती है, 130 रुपीज़ की है। जो लोग 164 रुपीज़ देना, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, मीन उनको ओवर प्राइस लग रही है वो क्रीम, सो ये क्रीम यूज कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के इसे यूज करते हैं। तो नॉर्मल वही सेम प्रोसीजर है जैसे कि आपको वीट मैन हेयर रिमूवल लगाना है। इसको खाली आपका जो याद रखना है कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा देर रखना है, बिकॉज इसमें 7 to 8 मिनट्स कहाँ गया है। इसके साथ ही आता है ये, ठीक है, ये स्ट्रैप इसके साथ ही आता है। और ये जो है ये क्रीम है, क्वांटिटी ज़्यादा है कम्पेयर टू वीट मैन हेयर रिमूवल। सो आपको ये प्रॉपरली धोना पड़ेगा ये पार्ट, ठीक है, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। सो ये प्रॉपरली धोना पड़ेगा। सो आप प्रॉपरली देख लेना इस पार्ट को, ठीक है, प्रॉपरली आप देख सकते हो। अब लगाऊंगा यहाँ पर ताकि आपको प्रॉपरली एक डेमो मिल जाए। ध्यान दीजिए कि आप हाथ वॉश कर कर ही यूज़ करो, नहीं तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, बिकॉज आपके हाथ पे रहती है मिट्टी और मिट्टी इस क्रीम के साथ रिएक्ट करेगी। सो आपको कितनी क्रीम लेनी है, इतनी। थोड़ा ब्लीच टाइप इसका स्मेल आ रहा है, सो देख सकते हो मैं कैसे लगा रहा हूँ क्रीम को। ये थोड़ी ठंडी भी लग रही है कंपेयर टू वीट मैन हेयर रिमूवल। ये क्रीम जो है वो थोड़ी ठंडी भी लग रही है, मींस ठंडक दे रही है। अब वो तो मालूम पड़ेगा कि क्या इफेक्ट देती है, क्या वीट हेयर रिमूवल अच्छी है या फिर हिप हॉप मैन हेयर रिमूवल क्रीम अच्छी है। सो ये मैंने क्रीम लगा दी है, आप देख सकते हो प्रॉपरली। मिलता हूँ आपको एक 8 मिनट बाद और फिर आपको इसके इफेक्ट्स बता देता हूँ। आप देख सकते हो प्रॉपरली, देखो, ठीक है, चलो मिलता हूँ 8 मिनट बाद। सो दोस्तों, 8 मिनट हो चुके हैं, अभी इसको निकालने का वक्त आ गया है। इसको निकालने का है आपको ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में। और साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कुछ कुछ चीज़ें मेरे को शेयर करनी है ये इसके इफ़ेक्ट दिखाने के बाद। तो सबसे पहले हम इसे निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देते हैं। ये वाला जो स्ट्रैप है कंपेयर टू वीट मैन हेयर रिमूवर थोड़ा सा रफ है आपके हाथों पर, देख सकते हो आप। ये थोड़ा सा रफ है और वीट हेयर रिमूवल का जो स्ट्रैप था वो थोड़ा सा स्मूथ था। ये देख सकते हो आप हेयर जो रिमूव किए गए हैं। अभी हम इसको एक साइड वाले टिश्यू में निकाल देते हैं। इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि इसका जो स्मेल था वो वीट हेयर रिमूवल के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा था। इसमें जो है वो केमिकल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग यूज़ किए गए हैं। और अभी हम लोग ने यहाँ पे हेयर निकाल दिए गए, आप देख सकते हो। सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी देख सकते हो आप प्रॉपरली। अभी इसको पोंछ के आपको एक प्रॉपरली दिखाता हूँ कैसे हेयर निकल गए हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसे प्रॉपरली धो लिया है और आप ये थोड़ी सी रेडनेस देख सकते हो। वीट मैन हेयर रिमूवल में ऐसी रेडनेस नहीं हुई थी, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि इसका स्ट्रैप जो है, मींस निकालने का जो हेयर निकालने का स्ट्रैप जो है वो बहुत रफ है और उसने मेरे स्किन को थोड़ा सा रेड कर दिया है। और केमिकल वे में इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आने वाले समय में इसका हिप हॉप क्रीम का और वीट मैन हेयर रिमूवल का एक कंपेरिजन वीडियो बनाऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि कौन सी क्रीम आपको अच्छी रह सकती है। करेंटली आप देख सकते हो इसने भी उतना इफेक्टिवली काम किया है और उतना रेडनेस भी छोड़ के गया है। अभी और एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, इसका फॉर्मूला जो है वो स्ट्रांग है वीट मैन के कंपैरेटिव, इसीलिए आप जो है जब भी ये क्रीम यूज़ करो तब आप उस इफेक्टेड एरिया को जहाँ पे आपने क्रीम लगाई हुई है, आपका हाथ इधर उधर ना लगे आपके बॉडी पे, तो उसका ध्यान रखिए।
न तो आपके लेने के देने हो सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये क्रीम वीट मैन हेयर रिमूवल से थोड़ी सस्ती है, और आप इसे हफ्ते में एक बार यूज़ करें, और यूज़ करने से पहले आप नहाना मत, जैसे कि मैं हूँ अभी, अभी मैंने यूज़ किया, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगा, बिकॉज तब क्या पूरा क्लीन और अच्छे से हो जाएगा। ये देख सकते हो पूरी स्किन मेरी स्मूथ हो गई है, पर एट द सेम टाइम थोड़ी लाल भी हो गई है। कुछ भी RW के सब्सक्राइबर के लिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो, और हेयर को ऐसे टिश्यू में प्रॉपरली डालना, कपड़े मत यूज़ करना। ये कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बोलिए। मुझे मालूम है कि वीट हेयर रिमूवल के क्रीम को आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स और प्यार दिया है, तो इसको भी वैसे ही दोगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्यूज़ देते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत बुरी बात है। क्या होता है उससे मैं अगला वीडियो बनाऊँ ना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे बोलना। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय बाय बी मोटिवेटेड। ये अपनी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। आप पूरा फन मिस कर रहे हो वहाँ पे, इतने सारे फॉलोअर्स और इतने सारी चैट्स होते हैं वहाँ पे, पूरा मिस कर रहे हो आप वहाँ पे, तो आके फॉलो कर देना। बाय बाय।